तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर टेक वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले रेडमी 5A में MIUI 10 का ग्लोबल बीटा अपडेट को लेके, कि काफ़ी छुट्टियों के बाद जो किया है चाइना ने, हाल ही में रोल आउट कर दिया है ग्लोबल बीटा रोम 9.2.15 का। और ये अपडेट मुझे कल ही आया है और इसके साथ ही मैंने अपडेट आज किया है। अपडेट कल आया था मगर मैंने आज किया है। तो इसी वीडियो में बताऊँगा आपको कि आपको जो अपडेट वगैरह आया उसमें क्या क्या आपको नई चीज़ें मिली है और क्या क्या आपको नया नहीं मिला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये गाइज अपडेट है 9.2.15 का अपडेट, जो कि वीकली बीटा अपडेट होता है। और इसी के साथ आपको यहाँ पे जो वर्ड्स न्यूब में जाएंगे आप, तो वहाँ पे ऑप्टिमाइज सिस्टम फॉर परफॉर्मेंस, इम्प्रूव सिस्टम सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, भी आपको दो चीज़ें यहाँ पर नहीं मिलेंगी। ठीक है गाइज, इसके साथ ही आपको बीच में थोड़े थोड़े कुछ न्यू फीचर्स मिलेंगे, जैसे MI क्लाउड इज सो इज सिंसिकाइज, MI पे ऐप इज देयर इन देयर सेटिंग न्यू ऑप्शन रिसीव अर्ली अपडेट। तो ये तीन ऑप्शन आपको यहाँ पे मिले हैं। तो मैं आपको चलो धीरे धीरे बता देता हूँ क्या क्या आपको नया ऑप्शन मिला है। तो गाइज, अगर आप सेटिंग्स में जाओगे, अबाउट फोन में जाना है, अबाउट फोन में जाने के बाद सिस्टम अपडेट में जाना है। सिस्टम अपडेट्स में जाने के बाद यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कोई अपडेट नहीं आया है फिलहाल, तो अभी अपडेट किया है, तो अगर मैं यहाँ पे अपडेट सेटिंग्स में जाता हूँ तो यहाँ पे आता है एक अपडेट, रिसीव अपडेट अर्ली और ऐड शॉर्टकट। ये वाला अपडेट तो गाइस, ये वाला ऑप्शन तो पहले से था इस पे, मगर ये अपडेट नया है, यूज दिस फीचर टू रिसीव अपडेट अर्लियर अदर देन अदर पीपल। तो ये अपडेट अगर आप इसको ओपन कर दोगे तो आपको अर्ली मतलब जल्दी अपडेट मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात आई है कि अगर आप लोग ये ऑप्शन आपको ऑन कर देना है, बस ये वाला अपडेट ऑप्शन आपने ऑन करना है, बस इंस्टॉल ऑटोमेटिकली कर देना है। ठीक है, तो ये एक पहला ऑप्शन तो आपको यही मिला है, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन गाइस क्या है MI क्लाउड को लेके। तो MI क्लाउड अगर मैं यहाँ पे खोलता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए गाइस कितना अच्छा हो चुका है ये अब। तो गाइस, तो ये गाइस काफ़ी अच्छी तरह से मतलब परफॉर्मेंस है इसकी, वर्किंग वगैरह है। तो अगर यहाँ पे देखूँ ज़रा डिवाइस वगैरह, तो अकाउंट वगैरह देखें ज़रा, और MI क्लाउड में जाऊँ तो यहाँ पे गाइस सब कुछ आ जाता है। सो ईजी है गाइस, यहाँ पे अब यहाँ पे सब कुछ दिखाई देता है, यहाँ पे कितने कितने हैं और कितना कितना नहीं है। मतलब एक अच्छा इंटरफेरेंस बना दिया है इन लोगों ने इसको लेके, कि क्या बताएं गाइस इसको लेके, काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे और बाकी तो कुछ नहीं है, यहाँ पे ड्यूल ऐप भी वगैरह वही है पुराना, तो यहाँ पे इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं तीसरे ऑप्शन को लेके, जो तीसरा ऑप्शन है वो है MI पे। तो गाइस यहाँ पे एक MI पे का शॉर्टकट आ चुका है, जिसको आप डिलीट नहीं कर सकते हो, इजी है ना। तो MI पे का क्या है गाइज, MI पे में आपको लोग देखिए गाइज, यहाँ पे आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह भर सकते हो अपने इस। ठीक है, यहाँ पे अपने लॉग साइन इन वगैरह करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन वगैरह, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली के बिल वगैरह भर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल बिजली के बिल भर सकते हो। एक नया मतलब यहाँ पे इनका ये खुद का ऐप आ चुका है MI पे। तो ये बस ये तीन या चार ऑप्शन आए हैं इसमें, जो कि काफ़ी अच्छे लगे मुझे। मुझे ज़्यादा ज़्यादा अच्छा बताऊँ क्या लगा गाइज, यहाँ पे मुझे MI अकाउंट का इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, जो कि ये इंटरफेरेंस है काफ़ी अच्छी मतलब तरह से इन्होंने ये जो कि ये किया है, यहाँ पे स्कैन वगैरह किया है और यहाँ से आप स्कैन करके न्यू ID लॉगिन कर सकते हो, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो गाइज अगर मुझे कुछ और पता चलता है कि क्या आपको कौन सा आपको नया फीचर मिला है, तो आपको मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। तब तक के दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएँ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, तो अगर आपकी मर्जी है बाकी। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।